or engineering aspirant, then this is your chance. हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक नीट यू जी दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव और आज का जो हमारा सेशन है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लास्ट सेशन के अंदर थोड़ा बहुत हम लोगों ने जनरल सेक्शन डिस्कस किया था फ्लार का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था मॉडिफाइड शूट जैसे हम, हम कह रहे हैं इसके फोर वर्ल्ड के बारे में दैट इज द कैल कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम क्या है थालिमस क्या है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये तमाम चीजें हमने डिस्कस की थी फिर हमने uh, uh, क्या बोलते हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव वॉल दैट इज द का हर एक यूनिट को स्टेमिन के दो मेजर पार्ट दैट इज द फिलामेंट क्या क्या है है एंथर उसमें दिक्स कंडीशन क्या है टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन क्या, क्या है ये तमाम चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर शुरू किया था याद है कि नहीं याद है ये सब बारे में बात हुई थी बिसरी बातें तो याद नहीं होगी मैम बीच में संडे का गैप आ गया था ऐसा तो नहीं है ना बच्चों हम्म ये जो नोट्स मांग रहा है ना इसको अभी मैं आंसर करती हूँ नोट्स नहीं भेजे लास्ट सेक्शन के पिटाई खाओगे तुम लोग मुझसे मैं पहले ही बोल चुकी हूं नोट्स डोंट डिमांड फॉर द रिटर्न फॉर्मेट ऑफ नोट्स क्यों क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि क्लास के अंदर आप नोट्स अपने हाथ से खुद यहीं पर बनाएं तो वाई आर यू डिमांडिंग फॉर द पीडीएफ नोट्स पीडीएफ मांगो किसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का वो समझ में आता है ये नोट्स का क्यों मांग रहे हो यार? I will you. आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स ही आपके हो क्या कि जो आपने बोर्ड पर लिखा है मैम इसका प्रिंट आउट करवा के दिखा दो ऐसे नहीं यार बनाओ अपने नोट्स खुद दैट इज मोर बेनिफिशियल टू यू ठीक है हाँ जी चलो तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के अंदर एपिडर्मिस हम लोग पढ़ चुके इसकी चार लेयर थी ना एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडिल लेयर एंड टैपेटम एपिडर्मिस हो गया एंडोथीशियम हो गया मैचुरेशन के दौरान क्या-क्या डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं इसकी इनर और रेडियल वॉल पर ठीक है कैसे अल्फा सेलस फाइब्रस की थिकनिंग है कैलोस बैंड्स भी प्रेजेंट होते अलोंग विद द रेडियल वॉल फिर कहां पर हमने बात की थी कि कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहां अल्फा फाइबर्स की थिकनिंग और ये कैलोस फाइबर नहीं प्रेजेंट है उन जगहों को हमने कह दिया स्टोमियम। वहीं से आपका डहीसेंस ऑफ एंथर होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है तमाम चीजें एंडोथीशियम से रिलेटेड सारी हम डिस्कस कर चुके आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर जो बनाता है सिंगल सेल थिक इज द ये हो गया एंडोथीशियम हो गया आज की क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एंथम में मिडिल लेयर से मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी फटाफट से तब तक से लिंक शेयर करो सो वी कैन स्टार्ट विद आर सेशन इससे पहले की और मैं सेशन की शुरुआत करूं मैं आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती हूं अगर आप एक सिस्टमैटिक मैनर में नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो आप अनकेडमी के पेड प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं यहाँ केवल एक मात्र सब्सक्रिप्शन से तीनों सब्जेक्ट बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के इंडिया के 70 से भी ज्यादा 70 प्लस टॉप एडुकेटर्स की टीम हमारे पास है जो कि नीट की जर्नी में आपको गाइड करेगी तो केवल एक मात्र सब्सक्रिप्शन से वो सारे एडुकेटर्स आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं जितने भी एजुकेटर प्लस प्लेटफार्म पर पढ़ाते हैं अनअकैडमी के डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के भी इवन तो क्योंकि अनअकैडमी प्लस एक ही है वो सारे अनलॉक हो जाते हैं जिस सब्जेक्ट में जिस एडुकेटर के साथ आपका फ्रीक्वेंसी मैच करे जी बिल्कुल आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं आपको करना क्या होगा उसके लिए सिंपल सा स्टेप है प्ले स्टोर पे जाओ प्ले स्टोर पे जाकर आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है ये ऐप वैसे भी मैंडेटरी है सबको क्यूं? क्यों क्योंकि जितनी भी फ्री क्लासेस होती है जो आज रात साढ़े नौ बजे भी है रिप्रोडक्शन यूनिट ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाले रिप्रोडक्शन यूनिट पर मैं क्विज करने वाली हूँ तो जितनी भी मेरी फ्री क्लासेस होती है उन वो उनको आप तभी कर सकते हैं जब ये ऐप इंस्टॉल हो तो अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हैं उसके तुरंत बाद गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है आप उस पर क्लिक करेंगे फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछता है आप नीट यूजी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो नीट यूजी उसमें भरिएगा जैसे ही आप नीट यूजी फिल करेंगे आपके सामने इस तरीके से सब्सक्रिप्शन ऑप्शन अवेलेबल होंगे प्लस चाहिए या आइकॉनिक चाहिए दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को ऑप्ट करो फिर इस तरीके से वन थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन अवेलेबल है गो फॉर एनी ट्वेंटी जिनका टारगेट ईयर है तीन महीने पे जाएंगे ट्वेंटी वाले वन ईयर का ले सकते हैं अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है शायद अट्ठाईस तारीख तक ही वैलिड है आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लो तीन महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा यानी कि एक साल की प्राइस में पंद्रह महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है ठीक है और टू ईयर तो वैसे ही सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सबसे ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली यही है देखो डिस्काउंट के बाद भी दो इतने का ये इक्कीस में आपको पूरा पर मंथ पड़ता है आपको दो साल का सब्सक्रिप्शन इक्कीस पर मंथ तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिल रहा है ठीक है वैसे प्राइजेस ये नहीं है जो आपको दिखाई दे रही है ये तो डिस्काउंट के बाद की प्राइस है ओरिजिनल प्राइस आप वेबसाइट पर चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से है 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 पर यहां पर इट इट इज इज एंड आपको क्या करना प्रोसीड टू अट्ठाइस लेकिन आपको पेमेंट इतना नहीं करना पड़ता पेमेंट यही करना है अड़तीस हजार की जगह चौतीस हजार ही है ये छप्पन हजार की जगह फिफ्टी फोर थाउजेंड ही है आपको क्या करना है प्रोसीड टू पे के पहले आपको पेमेंट के पहले गिफ्ट वाउचर बना एक ब्लैंक स्पेस आपको दिखाई देगा जहां पर आपको अपनी मैम का नाम फिल करना होता है बेटा शिवानी शिवानी कोड अप्लाई करके अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो शिवानी कोड के अप्लाई करने के फायदे क्या है एक तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट आपकी फीस पर मिल जाता है मैक्सिमम डिस्काउंट आपको आपकी फीस पर मिल जाता है ठीक है प्लस आप डिरेक्टली मेरी मेंटोरशिप मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर से नहीं पढ़ोगे यहाँ जो दिक्कत है ना मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हो मेरे साथ कोलाबरेट नहीं कर सकते हो आपकी तकलीफ मुझे नहीं बता सकते हो कि मैम मैम ये ये याद नहीं होते इस चैप्टर में ये तकलीफ है थोड़ा सा कोई तो गाइड कर दे वो मेंटरशिप आपको मेरी मिलेगी थ्रू आउट योर नीट जर्नी आई विल गाइड यू मैम कौन सी जगह से कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लू बहुत से बच्चे पूछते हैं बुक्स हर बुक्स में हजार हजार क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एक एक चैप्टर पर उतनी जरूरत नहीं होती तो कौन से क्वेश्चन कहाँ से कितने प्रैक्टिस करने आपकी हेड एक पूरा स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ डीपीपीज़ मिलते हैं क्वेश्चन बैंक मिलते हैं मैम आप बोलते हो ना 90 परसेंट स्टूडेंट आर हार्ड वर्किंग इन द रेस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो दो से तीन परसेंट स्टूडेंट की कैटेगरी में कैसे आऊं तो वो पूरा गाइडेंस मेरा आपको रहेगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं आपको टारगेट्स कैसे पूरे करने हैं कि करंट किस तरीके से करें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं बैक पोर्शन का टारगेट कैसे रखें उसका फ्री ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज भी आपको मिलता है मेरी खुद की सीरीज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी जहां पर मैं आपको डेली बेसिस पर टारगेट्स दूंगी और इनके टेस्ट अलग से कंडक्ट कराऊंगी कुल मिला के सार यह मेरी छत्रो छाया में नीट की जर्नी को तय कर सकते हो एक सबसे स्पेशल कुछ ही बच्चे में सेलेक्ट करूंगी आप मेरे स्पेशल ग्रुप सुपर एटीज वो आप कहने को ही सुपर एटीज है अस्सी बच्चे मैं नहीं लूंगी शायद मैं फोर्टी या फिफ्टी स्टूडेंट्स ही उसमें लूँ आप मेरे पास मतलब उसमें एनरोल्ड हो सकते हैं उसमें सिर्फ मुझे डेडिकेटेड और हार्डवर्किंग स्टूडेंट चाहिए घुसने का तरीका तो यही है शिवानी कोड अप्लाई करके आपको सब्सक्रिप्शन लेना है सिर्फ डेडिकेशन अगर आप में है हार्डवर्क अगर आप कर सकते हो आप ये कह दो कि मैम आपकी हर शर्तों को मैं पूरा करूंगा आप जो कहोगी जैसे कहोगी मैं वो करूंगा आप बस मेरा एक सपना यह है कि इस मेडिकल कॉलेज में मुझे पहुंचाना है उसके लिए आप रास्ता बताओ मैं सब करूंगा बस मुझे वहां तक पहुंचा दो तो ऐसे बच्चों के लिए मैं स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम में मेरे एक बैच के अंदर आपको एनरोल करूंगी सुपर एटीज के अंदर जहां पर सब कुछ बस मुझे डेडिकेशन और हार्डवर्क चाहिए सुपर ज में एंट्री का तरीका यही है शिवानी कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन लो आपको एंट्री मिल जाएगी बाकी किसी कोड से नहीं मिलेगी शिवानी कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन लेना है डिस्काउंट मिल रहा है ये सारा फायदा मिल ही रहा है लेकिन बने रहने के लिए ये नहीं है बने कैसे रहोगे आप उसमें क्योंकि अगर सिर्फ इतने से सिलेक्शन हो जाता तो हर कोई सिलेक्शन नहीं ले लेता बने रहने के लिए मुझे हार्ड वर्किंग बच्चा चाहिए बाकी फिर साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़ जाए आपके सिलेक्शन के लिए वो हम कर लेंगे ठीक है इट इज ऑल अबाउट दिस सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दिक्कत आए बेटा कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप मुझे यहाँ फॉलो कर लो सब्सक्रिप्शन के बाद तो आराम से कॉन्टेक्ट कर पाओगे पहले कैसे करोगे आप मुझे फॉलो करो जीरो आप मुझे फॉलो करेंगे आप मुझे यहाँ फॉलो करने के बाद थोड़ा सा ड्रैग करते हो तो नीचे मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आएगा सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर आई विल रिवर्ट यू और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं शिवानी कोड अप्लाई करके तो डिस्काउंट तो तुरंत मिल गया मेरे ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए सुपर एटीज का और बाकी सब फायदों को पाने के लिए आप मुझे यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं आप मुझे मेरी स्पेशल क्लास में आके भी बता सकते हो आप मुझे मेरी प्लस क्लास में भी आके बता सकते हो प्लस क्लास नेक्स्ट मंथ की दस तारीख से मेरा बैच कोर्स लॉन्च हो रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के साथ जो बैच आपको यहाँ पढ़ा रहा है हमारे लेट्स क्रैक नीट यूजी पर हो। सेम बैच प्लस पर भी पढ़ाएगा मेरे बैच का भी पार्ट बन सकते हो किसी और एडिकेटर से पढ़ना है उनसे भी पढ़ सकते हो कैसे भी आप कर सकते हो ठीक है तो ये सारी चीजें प्लस यहाँ पे नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना जिससे मेरी फ्री क्लासेस का अंदाजा आज लग जाएगा जैसे कि ट्वेंटी वाले जो बच्चे हैं रात साढ़े बजे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्विज मैंने आपको रखा है और सुबह साढ़े बजे भी रिप्रोडक्शन यूनिट पर ही क्विज मैं आपका लेने वाली हूँ कल सुबह साढ़े बजे है आज रात साढ़े बजे है रोज साढ़े सात बजे तो होने ही वाला है नौ तारीख तक आपका टेस्ट रोज सुबह साढ़े सात ठीक है साढ़े सात पीएम डाल रखा है क्या एम कर लो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट विद आर सेशन चिंता मत करो स्लाइड देख के घबरा मत जाना डायग्राम दिखाऊंगी यहां से पढ़ाऊंगी सब कुछ हैंड रिटन फॉर्मेट में ही डोंट वरी अबाउट दिस तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के अंदर एपिडर्मिस पूरा हम पढ़ चुके एंडोथीशियम में आपको पढ़ा चुकी मिडिल लेयर के बारे में आज हमें यहां से डिस्कस करना है ठीक है अब मिडिल लेयर के बारे में बात करते हैं बहुत ध्यान से सुनो लिखना कुछ भी नहीं है आपको पीपीटी से सब कुछ मैं हैंड रिटन वर्जन में जाऊंगी जस्ट कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास राइट नाउ ओके चलिए शुरू है करें चलो लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा लास्ट क्लास में जितना पढ़ा पहले चलो उसका डायग्राम दिखा देती हूँ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मैं अगर अंथर के स्ट्रक्चर की बात करूं तो चार लेयर्स व्हाट वर वॉटवर आउटर मोस्ट ये एक सिंगल लेयर डी है देखो सिंगल ही है ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर जो है सिंगल आउटर मोस्ट सिंगल सेल्ड थिक प्रोटेक्टिव लेयर दिस वन ये है आपका एपिडर्मिस ठीक है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ वो भी एक सिंगल सेल थिक लेयर है एंडोथीशियम तो so, नीचे की तरफ ये रही सिंगल है बेटा बेटा ये 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 है है है. ये है. है. आपकी वाली ठीक ही फिर इसमें हमने एंडोथीशियम में एक चीज कही थी कि मैचुरेशन के दौरान डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स पर डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस की वॉल तो इट रिमेन थिक इनर एंड रेडियल वॉल तो अल्फा सेलब्रस की थिकनिंग है, है. वहीं पर एक टर्म हमने इस्तेमाल किया था is, is ये हमने बात की थी क्या बोला था कई जगहों पर ऐसा हो रहा है जहां पर इट लैक आपकी अल्फा पिछली क्लास से बेटा भूली भित्री यादें ठीक है थीके? अल्फा सलिलस मैं उम्मीद करती हूँ आप सब पढ़कर ही बैठे होंगे अल्फा सलिलस फाइबर की थिकरिंग So बेटा आज मैंने silent पे नहीं किया क्या? भाई करो पर ठीक है? Okay, बच्चा अब, अल्फा फाइब्रस की थिकनिंग जो है हाँ जी ये नहीं है ठीक है प्लस अल्फा सलोस फाइब्रस की थिकनिंग नहीं होती है प्लस यहाँ पर कैलोस बैंड भी नहीं है तो जहां पर नहीं है ना उस जगह को ही तो हमने कह दिया कमजोर तो यही फटेगा यहीं से बट कैसे डिटेल आज की क्लास में ही हम पढ़ेंगे बस आप अभी तो यहाँ लिख लो कैसे होता है अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी तो समझ में आ जाएगा डहीसेंस ऑफ एंथर होता यहीं से है स्टोमियम तो ये तीन लेबलिंग तो समझ में आई होगी इसके बाद एंडोथीशियम के नीचे की तरफ अब जो लेयर है दैट इज द मिडिल लेयर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दिस इज द मिडिल लेयर अब एक चीज देखो एपिडर्मिस के बारे में बोला था सिंगल सेल्ड थिक लेयर एंडोथीशियम दिस इज आल्सो सिंगल सेल्ड थिक लेयर मिडिल लेयर भी क्या सिंगल सेल्ड है नो इट इज वन टू थ्री सेल थिक लेयर ये देखो ये है मिडिल लेयर ये एक ये दो ये ऐसे दिस इज लेयर दिस इज वन ठीक है ये one, two, three, थिक layer है. Middle layer. इसके क्या की वर्ड्स है डोन्ट वरी एवरीथिंग विल बी अवेलेबल अंदर हैंड रिटन फॉर्मेट आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन फ्रॉम हेयर कुछ भी नहीं लिखना सब कुछ हैंड रिटन जाऊंगी अब सुनो बेटा लेयर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड वन से एक तो ये, one, two, है. ये आपकी ऑफ लेटस सेल एंड एज आई डिस्कस ये वन से थ्री सेल्ड थिक्सर है अब की वर्ड लेयर इट कंसिस्ट ऑफ पैरनकाइमेटस सेल पैर सेल का काम है फूड को स्टोर करना पैरकाइमेटस फूड इज स्टोर्ड बाई दिसमेट सेल फूड को स्टोर करती है मतलब होता है, जिसको नहीं आता वो यही पर लिख लेता मतलब है, बेटा, का मतलब होता है जीवन बहुत छोटा सा ही है इसका, लंबे समय तक ना रह पाएगा ठीक है लिव्ड होता है कुछ समय के लिए ही है नेचर का है ठीक है ये एक मिच्योर एंथर के अंदर अभी हम एंथर में सब पढ़ेंगे एक mature एंथर के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये लेयर दिखाई नहीं देगी आई बात समझ में मिडिल के बारे में बात की इतना हमें ऑलरेडी पता है सबसे बाहर वाली लेयर दैट इज द एपिडर्मिस उसके जस्ट नीचे जो लेयर थी दैट इज द एंडोथीशियम एंडोथीशियम की नीचे वाली लेयर

किसी ने मुझसे हाँ, ये क्लास नोट्स का पीडीएफ मांगा ना मैं उसको गोली मार दूंगी इसलिए नहीं मांगना मैं खुद आपको पीपीटी से नहीं पढ़ा रही मैं खुद रिटन जाऊंगी तो मैं लिख रही हूं तो तुम क्या कर रहे हो उस टाइम तो मैं अपने नोट्स खुद बनाने हाँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी यहां पर उसकी पीडीएफ आपको अवेल हो जाएगी ठीक है हाँ जी सुनो अब

मेरी तरह जल जाएगा नहीं नहीं आ वो नहीं सुनता उसको तो भी जलना है है ठीक जल जाना होता है किस में लेकिन मेहनत की आग में तभी निखर के आओगे और फिर मैंने बोला ना आप लोग के साथ सेशन जिसने लिया होगा 2022 के लिए के आई ओपनिंग सेशन था फिर मिलेंगे नीट क्रैक करने के बाद ठीक है चलिए हाँ मिडिल लेयर सबसे पहला पॉइंट इट इज वन टू बाकी जो सब थी सिंगल साइड थी बच्चा इट इज वन टू थ्री साइड सेशंस लगाते जाओ बीच में सरप्राइज आएगा जो यूट्यूब वाले बच्चे भी हैं वो मुझसे कैसे लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं वन टू थ्री साइड थिक लेयर बताऊंगी कुछ दिनों का इंतजार करो जिसका मुझे इंतजार वो घड़ी बहुत जल्द आने वाली है ठीक है मिडिल की हम बात करें इट कंसिस्ट ऑफ जी बेटा कौन सी पैरनकाइमेटस सेल दिस इज द की वर्ड मिडिल लेयर में मिलेगी सेल की कार सेल का काम क्या है फूड का स्टोर करना तो फूड स्टोरेज इसी है फूड इज स्टोर्ड फूड स्टोरेज इसी सेल यही सेल करवाती है इस में फूड इज स्टोर्ड बाय दिस सेल इन मिडिल हाँ जी नेक्स्ट की वर्ड मिडिल लेयर की मैं बात करूं इट इज एफिमरल इन नेचर एफिमरल मतलब क्षणिक है कुछ समय के लिए ही रहती है लंबे समय के लिए नहीं है शॉर्ट लिव्ड है एक मच्छर अंतर् में देखेंगे तो आपको ये लेयर नहीं दिखाई देगी तो मिडिल लेयर जो है इट इज एफिमरल इन नेचर आ रहा है जी समझ में एफिमरल नहीं आता जिसको इसका मतलब वही लिख लीजिए शॉर्ट लिव्ड लिंक को शेयर करो बेटा ऐसे क्या करते हो अगर चाहते हो कि क्लासेस ऐसे ही चलती रहे तो भाई मोटिवेशन हमें भी तो चाहिए तुम्हें कब तक मोटिवेट करते रहे खुद को भी तो मोटिवेशन चाहिए अंदर से शेयर द लिंक और जिसको समझ में आ रहा है हिट द लाइक बटन शॉर्ट इन नेचर ठीक ये कर ली हमने मिडिल के बारे में बात नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट

ठीक है मेरे बच्चों आ गई जी चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं टैपिटम के बारे में पढ़ते हैं टैपिटम की हम बात करें बहुत इम्पोर्टेंट सुनो अब सबसे अंदर वाली जो लेयर है दैट इज द टैपिटम मिडल लेयर का काम फूड स्टोर करना टैपिटम जो है ये न्यूट्रिटिव लेयर की तरह एक्ट करता है मिडल लेयर ने जो फूड स्टोर किया है ये वहां से खाना लेके डेवलपिंग देखो यहाँ पे देखा उस ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को दे देगा एक्ट्स एज न्यूट्रिटिव लेयर इनर मोस्ट लेयर है और ये न्यूट्रिटिव लेयर की तरह एक्ट करता है ठीक है क्या होता है ये भी आपकी बस एक वही इनर मिडल लेयर ही 1 2 3 थर्ड थी बाकी ये भी सिंगल सेल थे क्लियर है द सेल ऑफ द टैपेटम इनिशियली डिप्लॉइड है बट बाद में ये पॉलीप्लॉइड हो जाती है क्योंकि मल्टी और ये ठीक है चलो छोड़ो हाँ टापिटम क्या करता है इट अब्सॉर्ब द फूड फ्रॉम द मिडिल लेयर और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल और द माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम इनका है ठीक है टैपिटम जो है ये फूड अब्सॉर्ब करेगा इट अब्सॉर्ब फूड फ्रॉम द मिडिल लेयर और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर्स को ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है सेल ऑफ टैपिटम ये हार्मोन और एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं मैच्योर एंथर में ना मिडिल लेयर दिखेगी ना आपको टैपिटम दिखेगी दोनों ही एबसेंट होते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका ये जो इनरमोस्ट लेयर है ना दिस वन दिस वन दिस इज द टैपिटम और ये अंदर की तरफ जो है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है ठीके? और इसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है टैपेटम ठीक है लिख लो इतना पॉइंट, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर लिख लेते हैं बेटा। की बात करें तो एज आई डिस्कस इट इज द ऑफ एंथर जो है बेटा ये आपका एक सिंगल थिक लेयर है टैपिटम जो है बच्चों इट इटैक्ट एज न्यूट्रिटिव ए न्यूट्रेटिव एक्ट करता है इटैक्ट एज ए न्यूट्रेटिव लेयर कैसे हमने बात की ये खाना लेता है मिडिल लेयर से एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल और डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स ठीक है डज इट डू जो है इट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द मिडिल मिडिल लेयर लेयर के पास फूड स्टोर है ना वहां से खाना ले लेगा इट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम मिडिल लेयर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करता है बेटा एंड प्रोवाइड न्यूट्रीशन टू माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड प्रोवाइड न्यूट्रीशन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल और डेवलपिंग माइक्रोस्पोर ठीक है बेटा फिर हमने बात की टापिटम की भी मैं बात करूं तो मेच्योर एंथर में आप देखोगे तो ये नहीं होगा टापिटम भी जो है, मेच्योर आंथर के अंदर ना तो मिडिल लेयर प्रेजेंट है, ना टापिटम प्रेजेंट है तो यानी कि दो ही लेयर होती है बस एपिडोशियम ना लेयर है ना टापिटम आ गई जी आ गई बात समझ में तो ये हमने बात कर ली यहाँ पर टैपिटम के बारे में आगे देखो ठीक है ये टैपिटम के जो टाइप एंड द ग्लैंडुलर ये नहीं पढ़ना है क्यों नहीं पढ़ना है मैं बता दूंगी आगे मैं पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी डी कोड के अंदर ठीक है एक दिन अब सुनो इसके बाद यहां पर दे रखा है बेटा ये यूबिश बॉडीज के बारे में पढ़ लो यहां से क्वेश्चन आ जाता है तो चलो मैं बता देती हूँ ठीक है टैपिटम में हम बोले यूबिश बॉडीज एक चीज होती है बेटा जॉब बॉडीज बिफोर द डिजेनरेशन ऑफ द सेल्स ऑफ एक स्पेशल यूबिश बॉडी यूबिश बॉडीज जो है ना हेयर नाउ दे आर यूबिश बॉडीज का फॉर्मेशन होता है बिफोर द डिजनरेशन ऑफ टैपेटम बस इतना ध्यान रख लो बाकी का डिटेल जो है कि किस तरीके से ये मैं एनसीईआरटी डी के वक्त आपको बताऊंगी

आप लोगों को इतना तो हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ उसमें एक एंथर में दो पोलन लोब थे ठीक है हर एक लोब के अंदर दो दो चाम्बर हैं तो टोटल चार पोलन सैक या पोलन थीका आप इन्हें कह दीजिए तो चार पोलन सैक है आर प्रेजेंट इन एंथर. पोलन सैक को आप माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं पोलन सैक को क्या कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं इस पोलन सैक के अंदर आपके माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रीन का फॉर्मेशन होता है कैसे होता है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें मियोटिक डिवीजन होगा उससे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा ये ऐसी चीजें जो ऑलरेडी हम इनिशियल सेशन में पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ तो इसमें कुछ नहीं कि हर एक उसके अंदर एंथर के अंदर दो पोलन लोब है हर लोब के अंदर दो दो चैम्बर है यानी कि एक एंथर में टोटल चार पोलन चैम्बर या जिसे पोलन सैक या फिर जिसे पोलन थीका भी कहा जाता है इसके अंदर आपके पोलन रिंग प्रेजेंट होते हैं ठीक है माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन से आपके पोलन बनते हैं अब नेक्स्ट में आपको यही डिस्कस करूंगी कि कैसे बनते हैं ये चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यहां तक सारी चीजें क्लियर है क्या बेटा आई एम वॉचिंग योर कॉमेंट्स राइट नाउ प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इज इट क्लियर जल्दी बोलो जल्दी बोलो मेरे बच्चों इज इट क्लियर यस एंड रेज योर थम्स 65 स्टूडेंट्स का अभी लाइक like है रेज योर थम देखना चाहती हूँ मैं कितने बच्चों को समझ में आया ये बीच में देखते हो फिर मैं आपके लाइक्स देखूंगी मुझे क्लियर हो जाएगा कि मेरे कितने बच्चों को ये सेशन समझ में आया। thing, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा सेशन के बाद एक हाथ दिन तक सेम डे तो एटलीस्ट स्पेशली सेम डे तो मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ ठीक है तो प्लीज डू कॉमेंट्स ऑल्सो अबाउट द रिगार्डिंग द फीडबैक ऑफ द सेशन ठीक है जी हुँ. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बहुत ध्यान से सुनना लिखना कुछ भी नहीं है यहां पर चैट में रेज नहीं चाहिए थम्स इधर हिट द लाइक बटन वैसे थर्म रेज चाहिए हिट द लाइक बटन एंथर की मैं बात करूं बेटा इट अपियर एज एन सब कुछ हैंड रिटन मिलेगा सुन लो बस अभी एंथर जो है ना एस एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर की तरह द एंथर अपियर एज

जिसे एक सिंगल थिक लेयर सराउंड कर रही है जिसे हमने कह दिया एपिडर्मिस। जिसे एक सिंगल थिक आउटर लेयर कवर कर रही है इस लेयर को हमने कह दिया एपिडर्मिस ठीक है अब हम बोलते हैं ना अभी क्यों ऐसा बोलते समझ में आ जाएगा मैंने वहां पर भी बोला था मैं डिटेल बाद में पढ़ाऊंगी एक चीज मैंने यूज की थी लास्ट क्लास के अंदर भी कि जो एपिडर्मिस चार लेयर पड़ी ना एंथर की

कि uh, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान क्या हो रहा सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है साथ ही साथ क्या हो रहा होता है बेटा मैं डायग्राम के थ्रू आपको पढ़ाऊंगी देखो साथ ही साथ क्या हो रहा होता है ये देखो दिस इज द मास ऑफ कुछ इस तरीके से

क्योंकि इसमें डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहीं से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मैं छोटू छोटू सा बनाऊंगी जिससे कि कम टाइम में बन जाए मैं छोटू छोटू सा बना रही हूँ जिससे कि कम समय में बन जाए बेटा डायग्राम में ज्यादा समय नहीं लगे इसलिए देखो बेटा कुछ इस तरीके से होने वाला है

ठीक है अब क्या होता है बेटा सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यूज फॉर्म इन द मिडिल वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्म होता है साथ ही साथ क्या हो रहा होता है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ हाइपोडर्मल रीजन में ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ ये हाइपोडर्मल रीजन हो गया ये हाइपोडर्मल रीजन के चार कॉर्नर पर एक कॉर्नर ये हो गया एक कॉर्नर ये हो गया एक कॉर्नर ये, ये, ये हो गया और एक कॉर्नर ये हो गया क्या कह रहा है वो इसके बाद क्या होता है epidermis region के नीचे की तरफ हाइपोडर्मिस रीजन की चारों कॉर्नर्स पर कुछ सेल जो है अपना साइज बढ़ा कर लेगी साइटोप्लाज्म सी हियर विजिबल है है, डेंस साइटोप्लाज्म क्या होगा जब वैसे तो epidermis के अंदर ये पूरा अनडिफरेंशिएटेड

ठीक है जी आई राम कहानी समझ में सिंपल सी चीज यहां तक लिखा रही हूं सिंपल फॉर्मेट में फ्लो चार्ट के थ्रू थ्योरी पूरा लिखा हुआ है समझ में आएगा क्या पढ़ रहे बेटा हम ये आपको सिंपल सी चीज समझ में आई ही होगी ठीक है हम पढ़ रहे हैं माइक्रो स्पोरोसिस कैसे होता है डिटेल डिस्कशन कर रही हूं आपके साथ माइक्रो ध्यान से सुनना जीवन में कभी कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने बात की क्या होता है क्या होता है बेटा क्या हो रहा है हमने बात की देर इज एक्चुअली एंथर इट एन आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर स्पारिकल राउंड शेप खत्म करो ये कहानी तो ठीक है डायग्राम से पढ़ते सबसे पहले हमने बात की देर इज अ मास ऑफ देर इज यू कैन सी विच यू कैन क्लियरली सी इन दैट पर्टिकुलर डायग्राम देर इज मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड अन डिफ्रेंशिएटेड होमोजीनस दिस होमोजीनस मैरिस्टमैटिक सेल्स इसका मास होता है मास ऑफ अनडिफ्रेंशियटेड होमोजीनस मैरिस्टमैटिक सेल्स ये जो दिस मास ऑफ होमोजेनियस मैरिसमेटिक सेल एज यू कैन क्लियरली सी इन डायग्राम दे आर सराउंडेड बाय इसके आसपास क्या होता है बच्चा तू न जाने आसपास है खुदा वो तो है ही सही लेकिन इसके आसपास एपिडर्मिस भी है दे आर सराउंडेड बाय दे आर सराउंडेड बाय लेर विच इज कॉल्ड हम इसे कह रहे हैं एपिडर्मिस। ठीक बच्चे एपिडर्मिस क्या है ये दिमाग में क्लियर हो गया चीज तो ये डायग्राम थी कि भैया मास ऑफ मेरिस्टमैटिक सेल व्हिच इज सराउंडेड बाय सिंगल सेल थिक लेयर, दैट इज़ द एपिडर्मिस। अब वो क्या कह रहा है एपिडर्मिस के जस्ट <coughs> नीचे की तरफ जस्ट बिलो द एपीडर्मिस जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे की तरफ कहां पर हो क्या फिर एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस रीजन के अंदर हाइपोडर्मिस रीजन के अंदर क्या होता है बेटा जी हाइपोडर्मिस रीजन के अंदर जो चार कॉर्नर पर जो सेल है ना फोर कॉर्नर सेल्स इनका साइज बड़ा हो जाएगा दे बिकम एंड लार्ज साइज में बढ़ जाएंगी विदिबल न्यूक्लियालियस दिखने लगेगा यू कैन क्लियरली सी इनग्राम विदिबल न्यूक्लियाम भी ज्यादा हो गया एकदम न्यूक्लियस चमक रहा है Cell भी बड़ी हो गई अलग से चमक रही है चार सेल कॉर्नर वाली यू कैन क्लियरली सी विजिबल न्यूक्लियाज बड़ा हो गया डेंस साइटोप्लाज्म क्या कह दिया इनको आपने कह दिया कह दू तुम है बिल्कुल चुप मत रहो बेटा बोलो इसे क्या कह दिया इसे कह दिया आर्यल सेल आई बात समझ में चमका कि नहीं चमका यहाँ तक इसके बाद एकदम मक्खन की तरह क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट की चीज समझ में आई तो लेट मी नो इन इज इट क्लियर टू ऑल माय डियर एंड लवली स्टूडेंट इफ यस देन हिट द लाइक बटन 82 लाइक्स आर देयर हिट द लाइक बटन अंगूठे को कष्ट पहुंचाए हैं ठीक है थीके? पता चले और प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट बॉक्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस चैट चैट नहीं पढ़ती हूँ कॉमेंट बॉक्स में दीजिए सेम डे तो एटलीस्ट मैं उस वीडियो के कॉमेंट्स पढ़ूंगी

ठीक है कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस रीजन में चार कॉर्नर्स वाली सेल जो है दे बिकम लार्ज विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड द विजिबल न्यूक्लिया दिस इज कॉल्ड द आर्कीस्पोरियल सेल नाउ व्हाट हैपन अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है इसमें पेरिक्लिनल एंड एंटी कहा गया कहा गया देखो यहां तक हो गया सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ साइमल्टेनियसली ग्रुप ऑफ सेल जो कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की प्रेजेंट है हाइपोडर्मिस रीजन की जो चार कॉर्नर वाली सेल है ये अपना साइज बढ़ाएंगी विद विजिबल न्यूक्लिया एंड डेंस साइटोप्लाज्म इसको आपने कह दिया आर्कीस्पोरियल सेल्स यहां तक पढ़ा चुकी अब क्या होता है अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है बेटा इसमें पेरीक्लीनल डिवीजन होगा आर्कीस लिखना नहीं है कुछ सब लिखवाऊंगी आर्कीस्पोरियल सेल में पेरीक्लीनल डिवीजन होने से दो तरीके की सेल बनेगी द प्राइमरी पैराइटल एंड द प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल ठीक है दो तरीके की सेल बनी दैट इज द प्राइमरी पेराइटल एंड प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल इन सेल में फर्दर डिवीजन होता है और ये मिलकर आपके कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का फॉर्मेशन करेंगे एक्सेप्ट एपिडर्मिस एपिडर्मिस तो पहले ही बन गया ना इसीलिए एपिडर्मिस को बोलते हैं नॉन आर्की स्पोरियल इन ओरिजिन बाकी की जो तीनों लेयर है ना दैट इज द एंडोथीशियम मिडिल लेयर टैपिटम ये सब यही बनाएंगे देखो प्राइमरी पैराइटल सेल जो है इसमें फर्दर पैरिक्लिनर और आर्टिक्यूलर डिवीजन से तीन से पांच लेयर बनती है विच इज मेकिंग द वॉल ऑफ एंथर इतना लिख लो पहले समझ लो ये स्पोरियल सेल तक समझ में आ गया यहां तक अब वो क्या कह रहा है ये जो बेटा स्पोरियल सेल्स बन गई ना ये जो आपकी स्पोरियल सेल्स बनी इसमें आपका पेरिक्लीनल डिवीजन होगा स्पोरियल सेल में पैरिक्लीनल डिवीजन होगा गंदा सा बन गया ये एरो आ जाओ थोड़ा सुंदरता वृद्धि कर लें इसकी ठीक है की पोरियल सेल में डिवीजन होगा स्पोरियल सेल के पेरिक्लीनल डिविजन से दो तरह की सेल बनती है क्या है इन दो सेल्स का नाम दैट इज द प्राइमरी पैराइटल प्राइमरी इटल एंड बेटा जी प्राइमरी प्राइमरी पैराइटल जो सेल्स पैरिफारी की तरफ है दैट इज द प्राइमरी पैराइटल जो सेल टूवर्ड्स द सेंटर है दैट इज द प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल मैम काहे का पैरिफेरी काहे का सेंटर थोड़ा विजुअलाइज तो करवाओ कभी करवाती हूं यहां लिख तो लो ये टूवर्ड्स पैरीफेरी बनती है सब समझाऊंगी चिंता मत करो डायग्राम से ये टूवर्ड्स द सेंटर बन रही है कुछ इस तरीके से देखो ये हो गया अब इसमें जब डिवीजन होगा ना तो जैसे यहाँ पर भी ये ये मान लो मैं इसी में आगे कर रही हूँ ये ये बन गई ये तीन इसमें ये सेल्स और, और आ गई तो ये वाली जो सेल है बाहर वाली ये एपिडर्मिस के इधर है ना ये वाली ये वाली तो दिस इज द प्राइमरी पेराइटल सेल जो टुवर्ड्स द पेरिफेरी है एपिडर्मिस की तरफ प्राइमरी पेराइटल और ये जो दो वाली ये बीच वाली जो है ना ये सेंटर की तरफ है ना इसको आप कहोगे प्राइमरी फोरोजीनस सेल दिस इज द प्राइमरी फोरोजीनस ऐसे पेरिफेरी और सेंटर समझ में आ गया होगा ठीक है ये टुवर्ड्स द पेरिफेरी वाली प्राइमरी पेराइटल ये बीच की तरफ से टुवर्ड्स द सेंटर जो है दैट इज द प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल अब वो कह रहा है कि जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये जो आपकी प्राइमरी पेराइटल सेल है इसमें फर्दर बेटा पेरीक्लिनर एंड एंटीक्लिनर डिवीजन होगा इसमें फर्दर पेरीक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिविजन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका ये फॉर्म्स द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ तीन से पांच लेयर बनाता है विच फॉर्म्स द वॉल्स ऑफ एंथर थ्री टू फाइव लेयर विच फॉर्म्स द वॉल ऑफ एंथर एक्सेप्ट एपिडर्मिस एपिडर्मिस तो पहले से ही था क्योंकि बेटा है ना तो यानी कि ये बनाएगा इससे बन गए आपके दैट इज द सबसे बाहर वाली जो इससे बनी अदरवाइज तो सबसे बाहर वाली तो एपिडर्मिस है लेकिन वो तो आर्किसपोरियल ओरिजिन है ही नहीं नॉन आर्किस सबसे बाहर वाली इससे जो बनने वाली अदरवाइज तो वो एपिडर्मिस के नीचे होती है दैट इज द एंडोथिसियम बनेगी एक मिडिल लेयर का फॉर्मेशन इससे होता है और एक आपकी लेयर दैट इज जाती है ठीक बेटा एंडोथीशियम मिडिल लेयर एंड टापिटम प्राइमरी पैराइट सेल के पैरिक्लिन डिवीजन से बन गई इसीलिए हम कहते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर है ना एपिडर्मिस की

मेकिंग बाहर वाली जो है तीन से पांच लेर वॉल्स कौन कौन सी बनाएगी हमने बात की ना जो सबसे बाहर वाली जो है इट इज कॉल्डो मिडिल आर्की स्पोरियल सेल इसमें पेरिक्लीनल डिविजन से आपकी बाहर की तरफ जो है ये बाहर की तरफ टू वर्ड्स दि

प्राइमरी सेल के माइटोटिक से सेल का फॉर्मेशन होगा और ये स्पोरोस बाद में डिफ्रेंशियट होंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इनका पोलन सैक के अंदर बनती है फिर ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें डिविजन है आपके हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर या फिर इसे हम कह रहे हैं पैलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है बाय बाई और रिडक्शन डिवीजन नहीं यही समझ में तो कोई बात नहीं दोबारा बता रही हूँ

माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोटिक डिवीजन से चार हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है ये यूबिश बॉडी वाला जो बता रही थी वो अब यहाँ पर पढ़ाऊंगी ये तक समझ में आ गया तो पहले इतना लिख लो बेटा गले की बैंड बजी हुई है आज मैम के यहाँ तक हो गया प्राइमरी पैराइटल सेल से एंडोथीशियम मिडिल लेयर और टापिटम बन गए प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का क्या हुआ तो ये लिख लो तो प्राइमरी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है बेटा इससे आपका फर्दर माइटोटिक डिवीजन होगा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल के अंदर फर्दर माइटोटिक डिवीजन होगा एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी सेल बनेंगी ठीक है ये स्पोरोजीनस सेल बनती है ये जो स्पोरोजीनस सेल है बेटा ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी बाद में ये डिफ्रेंशिएट होके बनाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल फिर ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें फर्दर मियोटिक या फिर कह दो इसी को तो हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं रिडक्शन डिवीजन होगा एज ए रिजल्ट ऑफ विच आपके I'm so sorry, आपके गले की बैंड बजी हुई है बेटा इसीलिए चार हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है इससे आपके बन गए चार हेप्लॉइड माइक्रो स्पोर्ट क्लियर 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 जल्दी बोलो ये देखो माइकल जैक्सन पिटाई 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 पढ़ लो नलायक पढ़ लो क्लियर है बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 96 नाइनटी सिक्स क्यों है भाई लाइक इसे हंड्रेड क्रॉस पहुंचाओ चलो फटाफट से समझ में आया हो तो नहीं आया तो मत करो ठीक है तो यहां तक हम डिस्कस कर चुके बेटा ये हम पढ़ चुके

क्या बोला इसी दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉट हैपन टैपिटल सेल के अंदर स्पेरिकल बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है इन स्परिकल बॉडीज को हम युबिश बॉडीज कहते हैं और ये युबिश बॉडी जो है ये कॉम्प्लेक्स इनके डिसंटीग्रेशन के पहले ही होता है टैपिटल सेल के और ये युबिश बॉडी जो है ये कॉम्प्लेक्स पोरोपोलिन इनकी बनी है जैसे ही युबिश बॉडी का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडी आपकी टैपिटम लेयर जो है ये डीजेनरेट हो जाती है और ये जो युबिश बॉडी है ये आपकी अभी मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी वो आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे उसकी आउटर वॉल है एग्जाइन जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी है इनर लेयर है इंटाइन जो कि पैक्टोस की बनी है डिटेल डिस्कशन हम करेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि जो आउटर मोस्ट लेयर है ना पोलन ग्रेन की

बॉडी के बारे में हमने बात की तो ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉट हैपन रात साढ़े नौ बजे ह्यूमन रिप्रोडक्शन ट्वेंटी ट्वेंटी पर टेस्ट है कल भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन सुबह साढ़े सात बजे भी स्पेशल क्लास है तो मैं क्विज कर रहे हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मेक इट श्योर यू आर गोइंग टू बी देयर आज रात साढ़े नौ कल सुबह साढ़े सात ठीक है हाँ ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या बताया और अनअकेडमी का पेड प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हो वाई माय कोड जो कि आपकी अपनी मैम का नाम है शिवानी इसको अप्लाई करने से ना केवल आपको दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ये तो मिलेगा ही आप डायरेक्टली मेरी मेंटोरशिप और मेरे स्पेशल बात सुपर एटीज का पार्ट बन सकते हैं डीपीपी क्वेश्चन बैंक स्टडी मटेरियल सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा उट यूर नीट जर्नी आई विल गाइड यू सिर्फ बायोलॉजी नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जो टीम मेरी यहाँ पर है वो टीम प्लस पे भी मेरा नेक्स्ट मंथ से बैच शुरू हो रहा है तो आपको वो सब भी शिवानी कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन लो वो गाइड करेंगे उनसे नहीं किसी और से पढ़ना चाहते हो किसी और एडुकेटर से फ्रीक्वेंसी मैच करता तो सत्तर प्लस एडुकेटर की टीम है न, प्लस पर, किसी से भी आप पढ़ सकते हो कोड लगाना है शिवानी डिस्काउंट के साथ आप मेरी छत्रो छाया में नीट की जर्नी को तय करोगे और सिर्फ बायो नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री की भी जिम्मेदारी मेरी है तो मैं सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगी ठीक है सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है और अगर सब्सक्रिप्शन सब डिटेल वीडियो के शुरुआत में मौजूद है सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दिक्कत आ रही है मैम सब्सक्रिप्शन के पहले कैसे कॉन्टैक्ट करें मेरे टेलीग्राम पर मुझे मैसेज छोड़ सकते हो वहां पे आपको चीजें मिलेगी फिर आपको ये क्या बोलते हैं टेलीग्राम पर आपको लिंक्स मिलते हैं सारे मैसेज तो नहीं देख पाती शायद आप लोग एक्टिव ही नहीं उसके अंदर आप लोग अनकेडमी uh, प्लेटफॉर्म पर मैं टेलीग्राम बाई चांस बाई मिस्टेक प्लेटफॉर्म पर मैसेज करो कैसे करना है रेट शिवानी जीरो पर मुझे फॉलो करोगे ड्रैक करोगे नीचे मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आता है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी शुरू करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड आई आई टोल्ड यू आपकी बॉडीज का फॉर्मेशन होता है स्पैर बॉडीज दे आर फॉर्म्ड इन साइड द टैपिटल सेल आर फॉर्म्ड स्पैरिकल बॉडीज आर फॉर्म्ड इन साइड टैपिटल सेल्स ये इसके डिसइंटीग्रेशन के पहले ही होती है और ये बिफोर देयर डिसइंटीग्रेशन इसे हम कह रहे हैं बेटा इट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट युबिश बॉडीज और जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडी टैपिटम डिस हो जाता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडीज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडी आपका जो टैपिटम है ना बेटा ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा ठीक है बॉडी जो है ये कॉम्प्लेक्स पोरोपोलेनिन का बना है कॉम्प्लेक्स पोरोपोलेनिन और पोलन ग्रेन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एग्जाइन उसके फॉर्मेशन में भी इसका रोल है कैसे है क्या है पोलन किट के बारे में ये हम हाँ ये सारी चीजें हम ये देखो ये तो हो गया ठीक है ये एग्जाइन के बारे में बता दिया फिर ये चारों माइक क्या होता है ठीक है कैलोस लेयर कैसे डिजोल्व करती है ठीक है टाइप्स ऑफ टट्राइड ये सब चीजें मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और पोलन किट अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करूंगी इट इज ऑल अबाउट दिस इट इज ऑल अबाउट माई टूडेज सेशन ठीक है रात साढ़े नौ बजे ट्वेंटी ट्वेंटी वाले मुझे मिल सकते हैं रिप्रोडक्शन यूनिट पर अन अकेडमी के स्पेशल क्लासेस के अंदर फ्री 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 ऑफ कॉस्ट वहाँ पर हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और बेटा ये प्लस पर कुछ बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं जैसे कि लास्ट लाप ट्वेंटी फर्स्ट अप्रिल से शुरू हुआ है ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए यह बचेज शुरू हुए हैं मेरा खुद का बैच अपनी इसी टीम के साथ तारीख से शुरू हो जाएगा शायद मोस्ट प्रॉब्लम मतलब नेक्स्ट मंथ शुरू हो रहा है ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टू ऑडियंस के लिए ठीक है जो टीम यहां पर है वही टीम आपको वहां मिलेगी तो आप हमसे पढ़ सकते हैं हमसे जुड़ सकते हैं और अगर मेरी टीम के साथ में किसी भी एडुकेटर के साथ आपको पढ़ना हो सबके लिए फ्री हो केवल एकमात्र सब्सक्रिप्शन से सारे एडुकेटर अनलॉक हो जाते हैं मर्जी आए है जिस सब्जेक्ट में जिस एडुकेटर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करे आप शुरू कर सकते हैं जस्ट आपको करना क्या है अन अकेडमी के जब पेड प्लेटफॉर्म पर आप आएंगे सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको जो कोड अप्लाई करना है वो है आपकी अपनी मैम का नाम शिवानी शिवानी करके पे करोगे प्रोसीड टू पे करोगे शिवानी इससे आपको आपकी फीस पर दस परसेंट का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा आप मेरी मेंटोरशिप मेरे गाइडेंस में आ जाएंगे मेरी टीम आपको गाइड करेगी मैं आपको गाइड करूंगी थ्रू आउट योर नीड जर्नी आई विल गाइड यू डीपीपी क्वेश्चन बैंक स्टडी मटेरियल सब मिलेगा मेरे सुपर एटीज का स्पेशल बैच का ग्रुप का हिस्सा आप बन सकते हो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मतलब मुझे एक डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट चाहिए अगर आप ये कोड अप्लाई करके आए सुपर कुछ सीट तो कौन की दूरी आप और हम मिलकर तय करेंगे ठीक है फिर भी अगर सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दुख तकलीफ आ जाए समझ में ना आए कोई क्वेरी है तो आप सब्सक्रिप्शन के पहले कैसे कॉन्टेक्ट करोगे आप मुझे ऐसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और भी जरिए तक कॉन्टेक्ट करने के बता रही हूँ

और या फिर मुझे स्पेशल क्लास में आके बता दो या मेरी प्लस क्लास में आके बता दो पैनल आपकी हर एक बात मुझ तक पहुंचती है तो आपको सारे फायदे मिल जाएंगे प्लस यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे अभी रात साढ़े नौ बजे भी होने वाला है और सुबह साढ़े सात बजे भी होने वाला है और सुबह साढ़े सात बजे वाला क्लास दस तारीख तक टिल टेंथ तक तो कंटिन्यू रहेगा